हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अपने जावा एडवांस प्रोजेक्ट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैटेगरीज को क्लिक करने पे डेटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे लोड कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग जावा प्रोग्रामिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें जावा प्रोग्रामिंग वाले सारे पोस्ट चाहिए, और अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग वाले सारे पोस्ट हमें फेच करके निकालने हैं। तो मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन पे समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन करके रखा है और मैं किसी भी एक ईमेल आईडी से मैं लॉगिन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही लॉगिन हुए हम लोग, यहाँ पे बेसिकली ये राइट में आपके ऑल पोस्ट दिख रहे हैं, सारे पोस्ट दिख रहे हैं। और हम लोग को इस वीडियो में करना क्या है, हम लोग चाहते हैं जावा प्रोग्रामिंग पे क्लिक करें तो जावा के सारे पोस्ट आ जाएं, पाइथन प्रोग्रामिंग पे क्लिक करें तो पाइथन के सारे पोस्ट आ जाएं, तो वेब टेक्नोलॉजी के सारे पोस्ट डायनेमिक आ जाएं। इसी तरह जितने भी इधर कैटेगरीज हों सारे पोस्ट डायनेमिकली फेच होकर यहाँ पे आ जाएं अगर हम उन सारी कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल जाएँ, आपको मैन्युअली सर्च ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और ये हमारा प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग ओपन करते हैं profile.jsp पेज। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमको आप फॉलो करते आए हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक प्रोफाइल पेज बनाया था, और जैसे ही पेज लोड हो रहा था हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे थे। जैसे ही पेज लोड हो रहा था हम लोग अजैक्स की हेल्प से एक रिक्वेस्ट भेज रहे थे, ठीक है। तो हम लोग इसी रिक्वेस्ट में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ये जो रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे थे इसको मैं डाल दूंगा एक फंक्शन के अंदर। तो चलिए हम लोग इसको डाल देते हैं एक फंक्शन के अंदर। तो हम लोग इसके ऊपर बना देते हैं यहाँ पे एक फंक्शन, फंक्शन गेट पोस्ट, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें डाल देंगे अपने इसी वाले फंक्शन के अंदर। इसका मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा रही थी जैसे ही पेज लोड हो रहा था। अब क्या होगा, जब आप इसको कॉल करेंगे तब ये सारा काम होगा। दैट मीन्स अगर आप गेट पोस्ट कॉल करोगे तब तो चलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और फिलहाल तो मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने वो वाला गेट पोस्ट वाला फंक्शन कॉल नहीं किया। देखो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कॉल करता हूँ गेट पोस्ट, जैसे मैं गेट पोस्ट कॉल करूँगा तो क्या होगा, जैसे डॉक्यूमेंट रेडी होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये फंक्शन रिक्वेस्ट भेज देगा और लोड पोस्ट डॉट जेएसपी से डेटा फेच होके आ जाएगा। तो अभी तक तो फिलहाल वही काम होगा जो हम लोग का पहले हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग को बनाना है कि हम लोग आईडी के थ्रू कैसे डेटा ले जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आईडी के थ्रू डेटा कैसे ले जा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को दे दूंगा एक आईडी जो होगी कैटेगरी आईडी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दे दूंगा एक वेरिएबल, या नॉर्मल आप कैट आईडी लिख दीजिए, तो गेट पोस्ट में सिंपल कैट आईडी। इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन को हम कैटेगरी आईडी देंगे और ये उसी कैटेगरी का वहाँ से सारे लिस्ट हमें देगा जिस कैटेगरी आईडी को हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैटेगरी आईडी को भेज देंगे सर्वर पे। तो हम लिखेंगे डेटा और यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे सी आई डी की और वैल्यू में पास कर देंगे कैट आईडी, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी आईडी है वो सर्वर पे चली जाएगी सी आई डी के थ्रू। तो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है, लगा देते हैं कॉमा, परफेक्ट, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर इस कैटेगरी आईडी की वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो गई, दैट मीन्स कैटेगरी आईडी वैलिड है, उस कैटेगरी की आईडी निकालेंगे। अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू अगर जीरो हो गई, इसका मतलब हमें सारे कैटेगरी निकालनी है, सारी कैटेगरी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब हमने फंक्शन कॉल किया तो मैं यहाँ से जीरो पास कर दूंगा, दैट मीन्स जीरो आएगा। और अगर जीरो गया इसके अंदर तो हम लोग सर्वर पर चेक कर लेंगे कि जीरो है, दैट मीन्स ऑल कैटेगरी लोड करना है। तो चलिए कॉल करते हैं, तो हम लोग ओपन करते हैं अपना लोड पोस्ट सर्वर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट गेट ऑल पोस्ट नहीं कॉल करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उस कैट आईडी की वैल्यू फेच करेंगे, इस वाली कैट सी आईडी की वैल्यू फेच करेंगे। मैं बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट, तो फेच करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर सी आई डी इज इक्वल टू, और जो आईडी आएगी वो स्ट्रिंग में होगी। तो हम लोग टाइप कास्ट कर लेंगे सबसे पहले, इंटीजर डॉट कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट फंक्शन से। तो हम लिखेंगे पार्स इंट और हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट
गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हम बात कर देंगे सीआईडी। ठीक है, ये सीआईडी क्या है भाई? ये सीआईडी ये वाली चीज़ है, सीआईडी जो हमने यहाँ से पास किया। तो यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी आईडी मिल जाएगी, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा इफ़, अगर इन केस सीआईडी इज़ डबल इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब मुझे सारी सारी कैटेगरी सारे पोस्ट लोड करने हैं, तो मैं इसको इफ़ के अंदर रख दूंगा। परफेक्ट, ठीक है, सारे पोस्ट लोड करने हैं। एल्स एल्स इसका मतलब जो कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हमको क्या करने हैं, पोस्ट में सारे पोस्ट नहीं लोड करने हैं, हमें कुछ ही पोस्ट लोड करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वेरिएबल को बना देता हूँ ऊपर। ठीक है, इस वेरिएबल को ऊपर बना देते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको कर देते हैं नल, इसको कर देते हैं नल। ठीक है, पोस्ट, और एल्स में हम लोग कॉल करते हैं, देखिए हम लोग एल्स में कॉल करेंगे, पोस्ट वाले ही वेरिएबल में रखेंगे, डी डॉट गेट पोस्ट इक्वल टू डी डॉट गेट गेट पोस्ट बाय कैटेगरी आईडी और सी आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। परफेक्ट, अब मैं आपको कोड को एक बार समझाता हूँ। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले कैटेगरी आईडी यहाँ पे फेच किया है, ये इसकी हेल्प से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सी आईडी, और फिर इंटीजर और पार्सेंट को यहाँ पे कैटेगरी आईडी दे दिया है। इसका मतलब ये कन्वर्ट, जो भी स्ट्रिंग आएगी कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में और इंटीजर आ जाएगा। अब हम लोगों ने एक सिंपली वेरिएबल ले लिया है, डिक्लेयर कर लिया है पोस्ट, जिसकी वैल्यू नल रख दी है, और हम लोगों ने चेक किया है कि कहीं कैटेगरी आईडी अगर ज़ीरो है, इसका मतलब हमें सारे पोस्ट निकाल के इसमें रखने हैं। एल्स अगर ज़ीरो नहीं है, तो हमें सिर्फ उसी वही वाले पोस्ट निकालने हैं जिसकी कैटेगरी आईडी आपने भेजी है। तो इस वाले जो वेरिएबल में, पोस्ट वाले वेरिएबल में अपने अकॉर्डिंग सारी कैटेगरीज, सारे पोस्ट आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। बट अगर इन केस सीआईडी की वैल्यू जीरो होती, तो उस केस में सारे पोस्ट आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को अकॉर्डिंग टू दैट कॉल भी यहाँ से करना होगा प्रोफाइल पेज से। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब कैटेगरीज प्रिंट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर चलते हैं भाई, कैटेगरीज कहाँ प्रिंट की थी, सारी कैटेगरीज ऊपर चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरीज प्रिंट की थी, यहाँ पे देखते हैं, नैब बार एंड हुआ मेन बॉडी, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सारी कैटेगरीज प्रिंट की थी, और यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट कॉल करूँगा। देखिए, मैं लगाऊंगा यहाँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं अपना वही वाला फंक्शन कॉल करूंगा, जिससे कि देखिए ऑन क्लिक मैंने इसलिए लगाया है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं, जावा प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, हमारा ये वाला फंक्शन चल जाएगा, गेट पोस्ट्स वाला फंक्शन, और यहाँ पे देना है कैटेगरी आईडी। तो मैं कैटेगरी आईडी जावा की हेल्प से दे दूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग लगाऊंगा और कैटेगरी आईडी सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए, मैं लिखूंगा सी डॉट सी सी डॉट गेट आई डी या गेट सी आई डी। ठीक है, तो होगा क्या कि इस पोस्ट के ब्रैकेट में कैटेगरी आई डी यहाँ से पास हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ से हमारा गेट पोस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जो कैटेगरी आई डी आपने वहाँ पे पास किया होगा, देखिए वहाँ पे पास किया होगा, सपोज आपने जावा प्रोग्रामिंग क्लिक किया, तो यहाँ पे आ जाएगी जावा प्रोग्रामिंग की कैटेगरी आईडी, और सर्वर पे जावा प्रोग्रामिंग की कैटेगरी आईडी चली जाएगी, और यहाँ से ये वाला फंक्शन चलेगा और सारे जावा वाले पोस्ट आके दिख जाएंगे हमें। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, और उसके बाद हम लोग जावा प्रोग्रामिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए जावा के सारे पोस्ट आ गए, पाइथन पे क्लिक करता हूँ, पाइथन के सारे पोस्ट आ गए, वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूँगा तो देखिए कोई पोस्ट है ही नहीं, डेटाबेस पे क्लिक करूँगा कोई पोस्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो परफेक्ट, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उसके पोस्ट यहाँ पे आ जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं चेंजेस और करता हूँ कुछ, जिससे मुझे लोडर वगैरह भी दिखे। देखिए, जैसे रिक्वेस्ट जाने से पहले मैं क्या करूँगा, देखिए लोडर को मैं यहाँ पे शो करूँगा, तो यहाँ पे मैं ग्रैब करूँगा लोडर, तो लिखूँगा हैज़ लोडर और लोडर डॉट शो कर दूंगा, जिससे लोडर शो हो जाए अजैक्स रिक्वेस्ट मारने से पहले, और कंटेनर को हाइड कर दूंगा, तो आप पोस्ट कंटेनर को भी टारगेट कर सकते हो, तो आप लिखो डॉलर ब्रैकेट फिर हैज, और आप यहाँ लिखो पोस्ट कंटेनर डॉट, और इसको भी हाइड कर दो थोड़ी देर के लिए। परफेक्ट, तो ये हाइड हो जाएगा। जब आपका फंक्शन सक्सेस चल जाएगा, तो लोडर को हाइड कर दो और कंटेनर को अपने शो कर दो, कंटेनर को अपने शो कर दो, तो हमने कहा पोस्ट कंटेनर डॉट शो, और उसी में डायनेमिक डेटा भी डाल दो, तो उसी में यहाँ पे डायनेमिक डेटा भी आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करिए। ठीक है, रिफ्रेश हो गया, और रिफ्रेश होने के बाद जावा प्रोग्रामिंग पे क्लिक करिए, जावा प्रोग्रामिंग, परफेक्ट, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, बस लोडर दिख नहीं रहा है। तो लोडर दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो चल रहा है किस पे,
वो चल रहा है हमारा लोकल होस्ट पे, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम बैकएंड नहीं ले रहा है, तुरंत ही रिक्वेस्ट आ जा रही है, इसलिए लोडर दिख नहीं रहा है। और ऑल पोस्ट पे सारे डेटा को लोड करते हैं, तो ऑल पोस्ट पे भी एक लगाते हैं लिसनर, तो ऊपर चलते हैं जहाँ पे ऑल पोस्ट वाली बटन बनाई थी हम लोगों ने, तो ऑल पोस्ट वाली बटन ये है, इस पर भी लगा देते हैं ऑन क्लिक ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में गेट पोस्ट, बट हमको पता है सारे पोस्ट कब लोड होंगे, जब आप जीरो यहाँ से भेजोगे, तो परफेक्ट। अब आप रिफ्रेश कर दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट तो सारे आएंगे आएंगे, बट जावा पे क्लिक करोगे जावा वाले आ जाएंगे, फिर ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे तो फिर से सारे पोस्ट आ जाएंगे, पाइथन पे क्लिक करोगे तो पाइथन वाले पोस्ट आ जाएंगे, परफेक्ट। ठीक है, ये बेस्ट है, आप यहाँ पे सारे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आपने राइट में सारे पोस्ट को दिखा दिए। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, लोडिंग को स्लो कर देता हूँ, तो मैं लोड पोस्ट पे चलता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर क्या देता हूँ, देखिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे थ्रेड लगा के थोड़ी देर के लिए मैं स्लीप कर देता हूँ चीज़ों को, देखिए जिससे कि ये थोड़ा टाइम ले, तो मैं लिखूंगा थ्रेड डॉट स्लीप, और स्लीप में मैं दे दूंगा कुछ मिली सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड का टाइम दे देते हैं इसको, 1 सेकेंड का टाइम दे देते हैं, परफेक्ट। अब सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं। अब क्या होगा, जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो 1 सेकेंड तक यहाँ पे रिक्वेस्ट रुकी रहेगी, जो थ्रेड इसे चला रहा होगा वो स्लीप कर जाएगा, तो वेट करेगा 1 सेकेंड तक कंट्रोल, जैसे जावा पे क्लिक किया तो देखिए, ठीक है। तो जब आप होस्ट करोगे तो ये लोडिंग आप ये वाला कोड हटा दोगे, जब आप कहीं वेबसाइट को होस्ट करोगे AWS पे या कहीं भी, तो इस चीज़ को हटा दोगे, अदरवाइज अननेसेसरी आपका टाइम लगेगा। ये तो सिर्फ मैंने लोडर को दिखाने के लिए किया है, परफेक्ट। ठीक है, ऑल पोस्ट पे क्लिक कर रहे हो, काम हो गए। अब हम लोग को ये जो ब्लू कलर का एक्टिव है, ये भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, अगर हम जावा प्रोग्राम में भी क्लिक करें तो ये जावा पे एक्टिव हो जाए, पाइथन क्लिक करें तो पाइथन एक्टिव हो जाए, वेब पे क्लिक करें तो वेब एक्टिव हो जाए, डेटाबेस पे क्लिक करें तो डेटाबेस एक्टिव हो जाए, परफेक्ट। एक चीज़ हम लोग और करते हैं, अगर आपने वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया तो अगर कोई पोस्ट नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ और रिटर्न करना है, तो देखते हैं भाई कुछ और पोस्ट कुछ और कैसे रिटर्न करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर लगाने से पहले यहाँ पे एक इफ़ लगा के चेक कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इफ, और इफ पी डॉट नहीं पोस्ट पोस्ट डॉट साइज, हम साइज चेक कर सकते हैं, साइज अगर जीरो है, जीरो है इसका मतलब एक भी पोस्ट नहीं है, और एक भी पोस्ट नहीं है तो हम यहाँ से कुछ और प्रिंट कर देंगे। कुछ और कैसे प्रिंट करेंगे भाई, देखिए आप लिख दीजिए आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे लिख दीजिए नो पोस्ट इन दिस कैटेगरी, परफेक्ट। और यहाँ से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का मतलब नीचे की चीज़ें नहीं चलेंगी, यहीं से पेज हमारा एक बैक चला जाएगा। ठीक है, तो अब सेव करते हैं और हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो रिफ्रेश करेंगे तो बाई डिफॉल्ट सारे पोस्ट आएंगे, वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो नो पोस्ट इन दिस कैटेगरी, डेटाबेस पे क्लिक करते हैं नो पोस्ट इन दिस कैटेगरी, जावा पे क्लिक करते हैं जावा के सारे पोस्ट, वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक करते हैं वेब टेक्नोलॉजी के सारे पोस्ट। तो इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक बना देते हैं, तो इसको रख देते हैं H3 के अंदर, तो कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं H3, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं H3 को क्लोज कर देते हैं, परफेक्ट। और हम लोग सारा कंटेंट अपना इसके अंदर लिख देंगे, और यहाँ पे क्लास भी लगाएंगे भाई, क्लास क्लास लगाएंगे डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स ये चीज़ याद रखिएगा, और क्लास लगाएंगे डिस्प्ले डिस्प्ले डैश 3, और लगाएंगे टेक्स्ट सेंटर, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट हो सेंटर में दिखे। और हम लोग फिर से क्या करेंगे, जावा प्रोग्राम पे क्लिक 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 करेंगे, उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे, परफेक्ट। नो पोस्ट इन दिस कैटेगरी, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे नो पोस्ट इन दिस कैटेगरी, जावा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग पे क्लिक करेंगे, एंड ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे पोस्ट आ जाएंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट मॉडर्न डिज़ाइन वाली वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, पोस्ट भी कर पाएंगे, यहाँ से पोस्ट भी कर पाएंगे, और हम लोग यहाँ से पोस्ट को डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी देख भी सकते हैं सारे पोस्ट को। अब हम लोग को थोड़ा सा पोस्ट पे काम करना है, लेकिन उससे पहले पोस्ट पे अभी बहुत ज़्यादा काम करना है हम लोग को, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये एक्टिव चीज़ें चेंज करनी है कि भाई जब मैं जावा प्रोग्राम पे भी क्लिक करूँ तो जावा पे एक्टिव हो जाए, जिससे आपको पता चले कि इस समय जावा प्रोग्रामिंग के सारे पोस्ट इस साइड में हैं। पाइथन पे क्लिक करूंगा तो आपको पता चल जाए पाइथन वाले सारे पोस्ट इसमें हैं, देखें जैसे व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज द यूज ऑफ मैप फंक्शन। डेटाबेस पे क्लिक करूं तो ये पता चल जाए कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग में कोई पोस्ट नहीं है,
बाकी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट को बनाइए, ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ करेंगे, और अभी तक अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।